लोकसभा चुनाव को लेकर बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हुई बैठक, बैठक में प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के बीच परिचय के साथ प्रत्याशी को विजय श्री दिलाने की बनी रणनीति। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन का कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से परिचय कराया गया, साथ ही चुनाव रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सदर लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक सदर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले विधायक, समस्त क्षेत्र, जिला, महानगर एवं मंडल के पदाधिकारी, पार्षद बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव एवं लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन ने संबोधित करते हुए पार्टी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा ने कहा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय जनार्दन तिवारी जी, शहर विधानसभा के सम्मानित विधायक आदरणीय जगन्नाथ मोहनदास सरवाल जी, आदरणीय महनपाल सिंह जी, महापौर यहाँ गोरखपुर लोकसभा के, जो आज के आज का जो फोरम यहाँ पे अपेक्षित था, एक बार उनका सबका परिचय हो रहा है। आज अपने गोरखपुर लोकसभा के यानी महानगर और जिले के जो हमारे पांच विधानसभा हैं, गोरखपुर सदर, ग्रामीण, पिपराइच, कैंपियरगंज एवं सहजनवा के, इस अपने पांचों विधानसभा के जो गोरखपुर जिला एवं महानगर के सम्मानित पदाधिकारी हैं, उन्हें रहना था मंडल के अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी एवं संयोजक, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, हमारे सभी सम्मानित विधायक, मोर्चों के अध्यक्ष, ऐसे सभी सम्मानित पदाधिकारियों की आज की ये बैठक बहुत तीव्र, और हमारे गोरखपुर नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षदों की आज के इस बैठक में एक परिचयात्मक बैठक में प्रत्याशी का कल आगमन हुआ, और जिस प्रकार से सहजनवा से लेकर के और गोरखनाथ मंदिर से आपके अपने इस कार्यालय पे जो अभूतपूर्व स्वागत किया गया, और जिस प्रकार से हम लोगों को 6 घंटे लगे मंदिर पहुंचने में, और जो अभूतपूर्व स्वागत हुआ, और जितना उत्साह कार्यकर्ताओं में और जनता में देखने को मिला है, निश्चित तौर पे आप लोगों के इसी साहस और इसी अभूतपूर्व स्वागत के बल पे और उत्साह को देखते हुए, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता कि अपने उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के आशीर्वचन से जिस प्रकार अपने प्रत्याशी का आगमन हुआ और जो आगाज हुआ है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व परचम लहराएगी और जो कलंक हमारा है मुक्त करके रहेगा। परिचय के दृष्टि से मैं एक बार अपने जो कि मंचासीन सभी अतिथियों को मैंने परिचय करा दिया है, एक परिचय क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, परिचय के दृष्टि से मंचासीन अतिथियों का परिचय हुआ है। मैं एक बार सर्वप्रथम जिले के पदाधिकारी जो गोरखपुर सदर विधानसभा के हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और प्रत्याशी के समक्ष आदरणीय रवि किशन जी के समक्ष अपना परिचय देंगे। क्षेत्र के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति विधानसभा में जो विधानसभा में नाम लूंगा, अपने विधानसभा से खड़े होकर के और अपना परिचय देंगे। सर्वप्रथम पिपराइच विधानसभा के जिले के पदाधिकारी
जिले के समय पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष बातें करिए मंडल मत्स्य विभाग के आदरणीय अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा जी मंच में और कोई पर्चे से उसमें अपना मदद कर लेंगे चार दिन से कसरत भी किए पूजा भी किए स्विमिंग भी किए तैयार हैं दंड वंड पेल के नहीं मोदी जी का लाज रख दिया हो मुख्यमंत्री जी का लाज ये कमल का लाज है बस यहाँ हाथ जोड़म जय हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे गोरखपुर सदर के प्रत्याशी हैं रवि किशन शुक्ल जी वो कल गोरखपुर उनका प्रथम आगमन था। गोरखपुर के जनता ने गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया रोड शो के माध्यम से। वो कल गोरखनाथ मंदिर गए फिर यहाँ पे आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। आज चूँकि चुनावी जो बिगुल है वो बज चुका है और गोरखपुर का जो चुनाव है वो अंतिम चरण में है उसका नामांकन भी 22 तारीख से शुरू हो रहा है। तो उसी दृष्टि से चूँकि रवि किशन जी का आगमन कल हुआ था उसी दृष्टि से लोकसभा जो गोरखपुर लोकसभा सदर है उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक आज आहूत की गई थी जिसमें लोकसभा के जो गोरखपुर लोकसभा है उस लोकसभा में रहने वाले लोकसभा के जो प्रभारी हैं लोकसभा के जो संयोजक हैं जो मंडल के अध्यक्ष हैं जो जिले के पदाधिकारी हैं जो क्षेत्र के पदाधिकारी हैं जो प्रदेश के जो कार्य समिति के सदस्य हैं या प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता सभी लोग की एक परिचयात्मक बैठक आज आहूत की गई थी। उस बैठक में जो भी लोकसभा क्षेत्र में जो पांच अपने विधानसभाएं हैं उन पांच विधानसभाओं के विधानसभा प्रभारी भी आए हुए थे और उन जगहों के कार्यकर्ता भी आए थे। तो वो एक परिचय के दृष्टि से आज एक बैठक थी ताकि जो हमारे कैंडिडेट हैं रविशंकर रवि किशन जी उनका और कार्यकर्ताओं के साथ इंटरेक्शन हो एक परिचय हो जाए और उसके बाद आगे आज शाम से लेकर के और कल से अलग अलग विधानसभाओं में जो कार्यक्रम लगेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और उसी के आधार पर आगे हम लोग रणनीति बना करके काम करने वाले हैं।